आप लोगों ने कभी ना कभी तो सोचा ही होगा, इस दुनिया में ऐसा कौन सा इंसान है जो कि सब कुछ कर सकता है, लिटरली सब कुछ। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ साइतामा के बारे में। अबे गलत इमेज क्यों लगा दी? साइतामा वन पंच मैन वर्ल्ड का सबसे पावरफुल हीरो। वन पंच मैन के वर्ल्ड में हमें साइतामा से पावरफुल हीरो या विलन आज तक देखने को नहीं मिला, पर आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में जो कि साइतामा जितना पावरफुल हो सकता है। और यहाँ पर मैं गोकू, थैनोस या जॉनी भाई की बात नहीं कर रहा, यहाँ पर मैं वन पंच मैन वर्ल्ड की ही बात कर रहा हूँ। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों को जय हिंद दोस्तों देना चाहूंगा, अगर आपने वन पंच मैन का सीजन 2 पूरा देख रखा है तो स्पॉयलर्स को लात मारते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जिस कैरेक्टर के बारे में मैं बात कर रहा था उसका नाम है ब्लास्ट। आप सब जानते ही होंगे कि वन पंच मैन वर्ल्ड में सभी हीरोज अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड हैं। तो जो कैटेगरी सबसे टॉप पे आती है वो है एस क्लास हीरोज की, उसके बाद ए, फिर बी, फिर सी, उसके बाद पता नहीं आती भी है कि नहीं आती है। तो जो ब्लास्ट है वो आता है एस क्लास में, और एस क्लास के हीरोज बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। हाँ साइतामा से पावरफुल नहीं है कोई, और ब्लास्ट रैंक 1 पर है एस क्लास में। तो मांगा और एनिमी में हमें आज तक ब्लास्ट देखने को नहीं मिला, वो थोड़ा बहुत सिमिलर है साइतामा से। हमें सिर्फ एक बार वन पंच मैन की वेब कॉमिक्स में ब्लास्ट देखने को मिला था। तो यहाँ पर जिन लोगों को वेब कॉमिक्स का मतलब नहीं पता, तो वेब कॉमिक्स एक्चुअली में वो कॉमिक्स होती हैं जो कि ऑनलाइन पब्लिश की जाती हैं, यानी कि हमें वो सिर्फ इंटरनेट पे देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर तुम सभी लोग उस वेब कॉमिक्स का एक पार्ट देख सकते हो, यहाँ पर तात्सुमा की जो कि रैंक 2 है एस क्लास में, वो ब्लास्ट से बात करते हुए दिखाई गई है, पॉज कर पढ़ सकते हो। और यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, तात्सुमा की एक ऐसी लौती कैरेक्टर है हीरो एसोसिएशन से जिसने आज तक ब्लास्ट को देखा है और किसी ने नहीं देखा। हाँ पर ब्लास्ट को एनिमी में कुछ कुछ बार मेंशन किया गया है। तो अगर हम ब्लास्ट की अपीयरेंस के बारे में बात करें तो भी एक सुपर हीरो सूट पहनता है बिल्कुल साइतामा की तरह, और उसके ब्लैक स्पाइकी हेयर है बिल्कुल मेरी तरह। और ब्लास्ट का ये कहना है, व्हेन द टाइम कम्स डोंट गो एक्सपेक्टिंग समवन कम्स सेव यू। तो इस लाइन से ब्लास्ट सिंपली ये कहना चाहता है कि हमें अपनी रक्षा करनी आनी चाहिए, उन्हें हर बार दूसरे हीरोज पर डिपेंड नहीं होना चाहिए जब तक कोई बड़ी परेशानी नहीं आती। बट वो लकी है उनके पास साइतामा है। और यार बहुत सारी थियोरीज का ये कहना है कि जो ब्लास्ट है वो साइतामा का फैमिली मेंबर हो सकता है, वो साइतामा का फादर हो सकता है, ब्रदर हो सकता है, या कजिन भी हो सकता है। और एक ऐसी थियोरी भी है जिसमें ये कहा गया है कि साइतामा ही ब्लास्ट है। अभी देखो इस थियोरी के बारे में मैं यहाँ पर एकदम डिटेल में बात नहीं करने वाला क्योंकि इस पर पूरी एक सेपरेट वीडियो बन सकती है, और वो सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा अगर इस वीडियो पे 1000 लाइक्स आ जाते हैं। हाँ पता है थोड़ी सी लालच है। वन पंच मैन के सीजन 2 में यार हमें ब्लास्ट देखने को नहीं मिला, देखते हैं कि सीजन 3 में हमें ब्लास्ट देखने को मिलता है या फिर नहीं। गोरो वर्सेस साइतामा या फिर ओरोची वर्सेस साइतामा देखने से ज्यादा मैं हाइप्ड हूँ ब्लास्ट वर्सेस साइतामा देखने के लिए। अभी देखो यहाँ पर मैं सिर्फ मेरा ओपिनियन दे रहा हूँ, ये फाइट हमें देखने को मिलती भी है कि नहीं मिलती सीजन 3 में वो भी कन्फर्म नहीं, और ब्लास्ट भी हमें देखने को मिलता है कि नहीं वो भी कंफर्म नहीं। मगर अगर हमें ब्लास्ट देखने को मिलता है सीजन 3 में तो साइतामा और ब्लास्ट इन दोनों की तो फाइट होनी ही चाहिए। अगर इन दोनों की फाइट होती है तो वो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव और ऑसम फाइट होगी, क्योंकि यार हमें ब्लास्ट को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि साइतामा से पहले ब्लास्ट ही एक ऐसा लौता कैरेक्टर था जिसने एल्डर सेंटीपीड को हराया था। हाँ वही बड़ा वाला कीड़ा, विशाल मॉन्स्टर, एक एंशिएंट जमाने का मॉन्स्टर जिसकी बॉडी अनब्रेकेबल है। और अगर आपने वन पंच मैन सीजन 2 का लास्ट एपिसोड देखा होगा तो आपको पता ही होगा कि किंग ने एल्डर सेंटीपीड को क्या कहा था, खुद सुन लो। तो यार ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन ब्लास्ट के बारे में। और यहाँ पर ये मत सोचना कि भाई तू साइतामा को हेट करता है, नहीं भाई साइतामा तो हमेशा ऑसम रहेगा। यहाँ पर मैं सिर्फ आप लोगों को एक ऐसा कैरेक्टर बता रहा हूँ जो कि वन पंच मैन के वर्ल्ड में साइतामा को छोड़कर सभी हीरोज से ज़्यादा पावरफुल है। हाँ साइतामा से पावरफुल है कि नहीं वो तो हमें आगे के सीजन में देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक कर देना, चैनल को पहली बार देख रहे हो तो यार सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय। अरे सुमित ये क्या मुंडन करा लिया, अब तो पूरा का पूरा जॉनी सिंस लग रहा है तू। आनो शिमा मोरु तो किमेता याकुसुकु वा कोनो।